हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्लैशलाइट ऑन क्लैंप एप्लीकेशन के बारे में। फ्लैशलाइट ऑन क्लैंप एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ताली बजा करके अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने फ़ोन के स्क्रीन में लाइट फ्लैशलाइट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके मोबाइल पर कोई कॉल आता है या फिर मैसेज आता है तो यहाँ पर आप फ्लैशलाइट सेट कर सकते हैं, जिससे कि जब भी आपके पास कोई कॉल या मैसेज आता है, आपका जो फ्लैशलाइट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपने फ़ोन पर फ्लैशलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है फ्लैशलाइट ऑन क्लैंप 2019। इस एप्लीकेशन का लोगो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, ये एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, उसे अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेट्स गो में क्लिक करना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश ऑन क्लैंप का ऑप्शन है, तो इसे हम ओपन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो फ्लैश ऑन क्लैंप का ऑप्शन है, इसे आपको इनेबल कर देना है। यहाँ पर आपको आप ये वाला ऑप्शन इनेबल कर देते हैं, ऑन कर देते हैं यहाँ पर फ्लैश ऑन क्लैंप। तो आप यहाँ पर जब भी क्लैंप बजाइएगा तो आपका जो फ्लैश लाइट होगा मोबाइल का, आपका जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगा। और आप फिर से क्लैंप बजाइएगा तो आपका जो मोबाइल का फ्लैश लाइट है वो बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ यहाँ पर किस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश ऑन क्लैंप का ऑप्शन है, तो इसे यूज करने के लिए आपको यहाँ पर फ्लैश ऑन क्लैंप में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऐड आएगा, उस ऐड को आपको बैक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश ऑन क्लैंप का ऑप्शन है, इसे आपको इस तरह से ऑन कर देना है। फिर से ऐड आएगा, उसे हम फिर से बैक कर देंगे। उसके बाद अब हम फ़ोन के बैक में जो फ्लैश कैमरा लगा हुआ है उसे चेक करके देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करके फ्लैश ऑफ ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपका जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगा। फिर से क्लिक कीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोर भी लाइट ऑफ का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे भी हम बंद कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश अलर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आपके मोबाइल पर कोई मैसेज या कोई कॉल आता है तो आप इसे यहाँ पर से सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास जब भी कोई कॉल या मैसेज आएगा तो आपका जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल सेटिंग ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकमिंग कॉल, आपके पास कोई कॉल आता है तो वो यहाँ पर ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपको सेटिंग करना है, जैसे यहाँ पर रिंग होगा तो आप सेट कर सकते हैं। वाइब्रेशन में रखना चाहते हैं तो ये वाला आप इनेबल कर सकते हैं। साइलेंट में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर से उसे यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो इनकमिंग कॉल होगा उसमें आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर है ब्लिंक, जो सेटिंग है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर से टाइमिंग सेट कर सकते हैं, वो बिलिंग कितने टाइमिंग पर होगा वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 200 मिली सेकेंड है, तो इसी तरह से 300 है, 400 है, 500 आप यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसे बैक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर है फ्लैश टेस्ट, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं फ्लैश टेस्ट है, तो यहाँ पर जो आपने टाइम सेट किया है वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लिंक, कितने टाइम आपका जो फ्लैश है वो ब्लिंक करेगा,
फ्लैश टाइप कौन सा है, तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, और यहाँ पर टाइप 1, 2, 3 आपको मिल जाएगा। आप उसे यहाँ पर से सेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन का यूज करके अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।